attend Millay Public Campus School, Aligarh. Today I will tell you about our needs. हमें आपको अपने को जिंदा रखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? Air, water, food. Human needs three basic things to survive. Air, water, food. Air. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. We cannot live for long without air. Human can live only for few minutes without air. Water. Human body is made up of almost 60% of water. Water is essential for our survival. We can live only for few days without water. Food. Food provides us energy to carry out our daily tasks and also give us immunity to fight the germs and diseases and help us building muscles. First of all, I would like to tell you about air. Air. Air is one of the natural resources from the environment. जो air है वो natural resources में से एक है. नेचुरल रिसोर्सेस मतलब होता है जिनको खुद जो खुद से बनाए नेचर ने बनाए हैं, उन्होंने आदमी ने नहीं बनाए, नेचर ने बनाए हैं. नो वन कैन सी और टच एयर बट इट इज ऑलवेज अराउंड अस. ना ही हम उनको देख सकते हैं ना ही हम उनको टच कर सकते हैं, पर हम उनको वो हमारे इधर अराउंड अस यानी कि इधर उधर रहती ही रहती है, तभी तो हम सांस लेते पाते हैं और हम उनको फील भी करते हैं. Humans, animals, plants need air to breathe. Humans यानी कि हम लोग और animals यानी कि जानवर और plants यानी कि पौधे. इन तीनों चीजों को एयर चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए. When air moves It is called as wind. जब एयर बहुत तेजी से मूव करती है तब उनको हम विंड कहते हैं. We feel air only when it moves. जब विंड बहुत ज्यादा मूव करती है तो हमें फील होता है कि बहुत तेज होती है. Air is a mixture about 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.03% carbon dioxide, 0.93% argon and 1% wet water vapor. Air इन सारी गैसों से मिलकर बनती है. Uses of air. It is filled in balloons and swimming tubes. जो air है हम उनको बलून्स में भी भर सकते हैं और स्विमिंग ट्यूब में भी भर सकते हैं. इट इज फिल्ड इन द ट्यूब्स इनसाइड द टायर. जो व्हील्स होते हैं गाड़ी के किसी के भी व्हीकल के, उनमें जो उनके व्हील्स में हम एयर भरते हैं. इट हेल्प टू ड्राई क्लोथ्स. जो एयर है वो हमारे क्लोथ्स को भी ड्राई करती है. इट हेल्प्स टू मूव सेलबोट एंड विंडमिल्स. जो सेलबोट्स और विंडमिल्स होती है उनको विंड घुमाती है यानी कि एयर घुमाती है. इट मेक द फायर बर्न. हम एयर से आग भी जलाते हैं. इट इज यूज फॉर फ्लाइंग काइट्स. जो एयर है वो काइट्स को भी उड़ाती है. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर हैज वेट. जब हम एक स्टिक पर दो बलून का वेट रखे भरे हुए एयर से तो और एक बलून को फोड़े तो जो दूसरा बलून होगा उसके तरफ जो स्टिक है उसके तरफ स्टिक झुक जाएगी क्योंकि एयर के पास वेट है. एयर हैज प्रेशर. जो एयर होती है उसके पास प्रेशर भी होता है. जब हम किसी भी बलून्स ट्यूब्स का व्हील्स ट्यूब्स जिसमें भी भरेंगे इन तीनों में से एक भी चीज में अगर हम भरते हैं तो जो एयर होगी वो बड़ी तेज से जाएगी और उसके अंदर भर जाएगी. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. जब हम खाली बोतल को पानी के अंदर डालेंगे तो जो एयर होगी वो
बुलबुले निकलकर बाहर आएगी, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है। एयर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, जहाँ किसी गर्म पानी बोतल में गर्म पानी रखेंगे और उसके ऊपर बलून लगा देंगे तो जो एयर होगी वो एक्सपेंड करेगी और जो बलून होगा वो बड़ा होता जाएगा क्योंकि उसके अंदर एयर फैलने लग जाती है। एग्जाम्पल हॉट एयर बलून, जैसे उनमें आग जलाते हैं जो हॉट एयर जो बड़ा वाला जो बलून होता है वो एकदम से फूलने लग जाता है। एयर इज इनविजिबल, एयर इज इनविजिबल यानी कि जो एयर है वो हमें दिखेगी नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अगले पार्ट में मैं आपको वाटर और फूड के बारे में बताऊंगा। मैंने ये मैटर ऑसवाल वाली बुक से लिया है। ये ऑसवाल बुक की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप इस लिंक को देखकर उस बुक को खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस प्लीज फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।